हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम लेकर आए हैं लास्ट सिक्स मंथ्स की गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट स्कीम रिलीज बाय सेंटर गवर्नमेंट, और फिर आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स रिलीज बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट स्कीम की तरफ और स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहली स्कीम है हमारी रिगार्डिंग अमृत धरोहर एंड मिष्टी योजना के तहत। तो ये दोनों स्कीम जो है इनका जिक्र ये अनाउंस कब की गई थी, जब हमारा बजट अनाउंस हुआ था। तो सबसे पहली स्कीम है हमारी अमृत धरोहर योजना। तो ये जो स्कीम है ये किसके साथ डील करती है, ये करती है हमारी रामसर साइट्स के साथ डील। ठीक है, जो भी हमारी इंडिया में रामसर साइट्स है उनको डील करेगी, उनको कंजर्व करेगी, उनको डेवलप करेगी, उनको मेंटेन करेगी ताकि टूरिज्म सेक्टर बढ़ सके। ठीक है, और दूसरी जो स्कीम है वो है हमारी मिष्टी। तो इसके फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, हमारा मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। तो ये जो मिष्टी स्कीम है ये किसके साथ डील कर रही है, ये कर रही है हमारे मैनग्रोव फॉरेस्ट के साथ। ठीक है, जो हमारे मैनग्रोव फॉरेस्ट है उनके साथ डील कर रही है कि इसका टारगेट क्या है कि आने वाले 5 साल में, ठीक है, जो नेक्स्ट 5 ईयर्स हैं उसमें 540 स्क्वायर किलोमीटर का मैनग्रोव एरिया हमने डेवलप करना है। कितने स्टेट्स में, 11 स्टेट्स एंड 2 यूटी में। ठीक है, 11 स्टेट्स एंड 2 यूटी को मिला के हमें 540 स्क्वायर किलोमीटर का मैनग्रोव एरिया डेवलप करना है ताकि हमारा इकोसिस्टम बेटर हो सके, ठीक है, ग्रीन हो सके। और ये दोनों से स्कीम्स है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं, दोनों स्कीम्स आती हैं हमारी एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये दोनों जो स्कीम्स है ये लॉन्च कब हुई थी, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन। ठीक है, तो यहाँ से आपका स्टैटिक का क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब आता है, तो ये आता है आपका 5 जून को। और इस बार की थीम क्या थी, इस बार की थीम थी सॉल्यूशन फॉर प्लास्टिक। ठीक है, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। और ये कौन से कैंपेन के तहत हुआ था, ये जो थीम है ये थी हमारी #BeatPlasticPollution। इस कैंपेन के तहत हमने ये थीम बनाई थी सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। और वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब आता है, 5 जून को। अब ये जो दोनों स्कीम्स है इसमें एक चीज और है काम की कि देखो जो इन दोनों स्कीम्स में जो भी खर्चा आएगा, समझ लो खर्चा आया एक स्टेट में, जैसे समझ लो गुजरात स्टेट में आया खर्चा लगभग 100 करोड़ का। ठीक है, तो जो 80 करोड़ होगा वो कौन देगा, हमारा सेंटर गवर्नमेंट। और जो 20 करोड़ होगा वो कौन देगा, हमारा स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जिस भी स्टेट में जो खर्चा आएगा इन स्कीम्स के तहत, तो 80% फाइनेंस कौन करेगा, हमारा सेंटर गवर्नमेंट, और 20% फाइनेंस कौन करेगा, हमारा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखना। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट स्कीम है हमारी रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है प्रेग्नेंट माइनर विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट को सपोर्ट करने के लिए एक स्कीम। ठीक है, जिसका बजट लेआउट कितना है, 74.10 करोड़ का, 74.10 करोड़ का। अब इसमें क्या है, जो भी रेप विक्टिम्स हैं स्पेशली माइनर्स और जो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और जिनको फैमिली वालों ने निकाल दिया या ऑर्फन है, उनको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, फूड शेल्टर लीगल एड और एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड की जाएगी अक्रॉस द कंट्री। और इसका बजट कितना एलोकेट किया गया है, इसका बजट एलोकेट किया गया है 74.10 करोड़। और कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। ठीक है, और ये जो बजट का पैसा आया है ये कहां से आया है, ये आया आपका निर्भया फंड से। ठीक है, जो निर्भया फंड बनाया गया था 2013 में उससे आया ये पैसा। तो यहां से एक स्टैटिक का क्वेश्चन भी बन सकता है कि निर्भया फंड को कौन मैनेज करता है, तो निर्भया फंड को मैनेज कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये दोनों इसको क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटेड करते हैं निर्भया फंड को। पर अगर निर्भया फंड से किसी स्कीम को पैसा देना है उसका डिसीजन कौन लेता है, उसका डिसीजन कौन लेता है, उसका डिसीजन लेता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये दोनों बात ध्यान रखना कि निर्भया फंड को मैनेज कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेटेड कौन करता है, तो वो करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पर वहीं अगर निर्भया फंड से किसी स्कीम को पैसा एलोकेट करना, जैसे इस केस में 74.10 करोड़ एलोकेट किया गया है, ठीक है, फॉर प्रेग्नेंट माइनर विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, तो उनको ये अलॉटमेंट कौन करता है निर्भया फंड से, अलॉटमेंट का डिसीजन लेता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिगार्डिंग एक्सपेंशन ऑफ फायर सर्विसेज, और इसको लॉन्च किसने किया है, इसको लॉन्च किया है एमएचए ने। एमएचए क्या है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, अब इस स्कीम के तहत क्या बोला गया है कि जो भी स्टेट है उसको अपने जो फायर सर्विसेज हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा और उसको मॉडर्न बनाना पड़ेगा, ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप करना पड़ेगा। तो इसके लिए अंडर नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के तहत इसके लिए अलग से 5,000 करोड़ का बजट रखा है। ठीक है, 5,000 करोड़ का बजट रखा गया है किसके लिए, एक्सपेंशन ऑफ फायर सर्विसेज के लिए। अब यहाँ पे एक बात देखिएगा, जो ये 5,000 करोड़ है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका 4,500 करोड़ जो कि बजट दिया जाएगा स्टेट्स को, ठीक है, जिस स्टेट्स को अपने एक्सपेंशन या अपनी फायर सर्विस को मॉडर्न बनाने के लिए जितना भी खर्चा चाहिए होगा, तो उसको वहां खर्चा कहां से दिया जाएगा, इन 4,500 करोड़ से। और 500 करोड़ जो है वो अलग से रखा गया है, ये किस लिए रखा है, ये इंसेंटिव के लिए रखा है
कि जो स्टेट इसमें एक्सीलेंट परफॉर्म करेगा उसको इंसेंटिव दिया जाएगा एज ए एप्रिसिएशन, ठीक है। तो वो कहां से दिया जाएगा? इन 500 करोड़ में से। और एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए खर्चा कहां से मिलेगा? इन 4500 करोड़ से, ठीक है। तो टोटल 5000 करोड़ ऐसे दिया गया है, ठीक है। और ये एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन क्यों कर रहे हैं फायर सर्विसेज का, कि कल को अगर कोई डिजास्टर हो तो उस टाइम पे जीरो डेथ हो और मिनिमम लॉस हो प्रॉपर्टी का, ठीक है। इसको इंश्योर करने के लिए ये एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं फायर सर्विसेज का। अब यहां पे एक बात और है कि समझ लो जैसे एक स्टेट है, समझ लो कोई भी गुजरात रख लो, ठीक है, गुजरात एक स्टेट है। अब उसको खर्चा आ रहा है लगभग 100 करोड़ का, तो उसको क्या करना पड़ेगा? 25 करोड़ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को खुद लगाना पड़ेगा और 75 करोड़ जो है वो यहां से मिलेगा इसको। तो यहां पे देखो साफ मेंशन किया गया है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट है, हिमालयन स्टेट कौन से हो गए? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, लद्दाख, ये वाले, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट है, उसको जो टोटल खर्चा आएगा एक प्रोजेक्ट का, उसका 10% अपने आप से देना है और बाकी जो जितने भी रिमेनिंग स्टेट्स हैं उनको 25% स्टेट गवर्नमेंट को देना है और 75% इनको ये सेंटर से मिलेगा। और नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट को 10% को स्टेट गवर्नमेंट को देना है और 90% जो है वो सेंटर से मिलेगा, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट स्कीम है आपकी रिगार्डिंग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसकी अभी रिसेंटली 8th एनिवर्सरी बनाई गई है। तो ये स्कीम लॉन्च कब हुई थी? ये स्कीम लॉन्च हुई थी आपके अप्रैल 8 2015 में। तो देखो मुद्रा योजना का मेन फोकस क्या था कि एमएसएमई की ग्रोथ, और वो कैसे कराएंगे एमएसएमई की ग्रोथ? बाय प्रोवाइडिंग देम लोन्स अप टू 10 लाख रुपीज, और वो भी कोलेटरल फ्री, ठीक है। मतलब इनको 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा एमएसएमई सेक्टर को, वो भी कोलेटरल फ्री, ठीक है। जो ये 10 लाख का लोन दिया जाएगा एमएसएमई सेक्टर को अंडर मुद्रा योजना, ये तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड था। कौन कौन सी? एक आपकी शिशु, एक किशोर, एक तरुण। तो शिशु कैटेगरी कौन सी है? जो लोन 50,000 तक के हैं अप टू 50,000, वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? शिशु कैटेगरी में। फिर जो लोन 50,000 से ऊपर है और अप टू 5 लाख है, वो किस कैटेगरी में आएंगे? वो आएंगे आपके किशोर कैटेगरी में। और तरुण कैटेगरी में कौन से आएंगे? 5 लाख से ऊपर वाले अप टू 10 लाख, वो आएंगे आपके तरुण कैटेगरी में, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, साथ में आपकी मुद्रा की फुल फॉर्म। मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है आपकी? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा, आज तक के टोटल लोन्स कितने हुए मुद्रा में? वो हुए 40.82 करोड़ लोन्स, ठीक है। इतने लोन्स हो चुके हैं और इन लोन्स की वैल्यू कितनी है? 23.2 लाख करोड़। अब इसका मतलब क्या है? जैसे समझ लो मेरे बैंक में एक लोन हुआ, ठीक है। अब वो लोन था 10 लाख रुपए का, फिर अगला लोन हुआ और वो था 5 लाख रुपए का, तो टोटल लोन्स कितने हुए? दो, और उनकी वैल्यू कितनी हुई? 15 लाख रुपए। तो वही चीज यहां पे है कि टोटल लोन कितने हुए? 40.82 करोड़, और उनकी वैल्यू कितनी? टोटल 23.2 लाख करोड़। अब जो लोन हुए टोटल, इनमें से 69% लोन जो है वो वुमेन्स को दिए गए हैं, ठीक है। और ये जो लोन है टोटल, इनमें से 51% जो है वो हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस को दिए गए हैं, ठीक है। और ये जो लोन है टोटल्स, ठीक है, अगर मैं बात करूं टोटल लोन्स की, उसमें से सबसे ज्यादा लोन किसको दिए गए हैं? शिशु कैटेगरी में 83%, फिर किशोर कैटेगरी में 15%, और लास्ट में तरुण कैटेगरी में 2%। और वह मैं टोटल वैल्यू की बात करूं तो सबसे ज्यादा वैल्यू के लोन किस कैटेगरी में प्रोवाइड किए गए हैं? शिशु कैटेगरी में 40%, मतलब 23.2 लाख करोड़ का 40% लोन जो है वो शिशु कैटेगरी में दिया गया है, फिर 36% किशोर में और 24% तरुण में। तो ये परसेंटेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कैटेगरी याद रख लीजिएगा और इसमें कितने अमाउंट के लोन्स आते हैं वो याद रखना है आपको। मुद्रा की फुल फॉर्म लॉन्च कब हुई थी और मैक्सिमम लोन कितना दिया जाता है? 10 लाख का, और कितना क्या होता है वो? कोलेटरल फ्री लोन होता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट है आपकी अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, ठीक है। तो ये लॉन्च कब हुई थी? ये लॉन्च बेसिकली 2018 में हुई थी। अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसको 2 साल और एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये एक तरीके से क्या है? ये एक तरीके से बेरोजगारी भत्ता बोलते हैं जिसको, वो होता ही है। अब इसमें होता क्या है, जो इंप्लॉय होता है, आप एज ए इंप्लॉय काम कर रहे हो किसी कंपनी में, ठीक है, तो आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत रजिस्टर करोगे और आपको इंश्योरेंस कौन प्रोवाइड करेगा? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। अब इसमें होता क्या है बेसिकली, सपोज आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, और आपकी नौकरी चली जाती है किसी कारणवश, तो आपको 90 दिन बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और वो जो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा वो कैसे मिलेगा? जो भी आपकी एवरेज सैलरी होगी उसका पहले था 25%, उसका 25% आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, पर अब ये बढ़ा के 25 से कितना कर दिया? 50% कर दिया है। पर ये किस किस को मिलेगा? इसके लिए क्राइटेरिया एक कि आपकी जो एवरेज, जो आपकी सैलरी है वो 21,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो बंदे इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। और हैंडीकैप के लिए कितना है क्राइटेरिया? 25,000 का।
कि अगर कोई पर्सन हैंडीकैप है और उसकी सैलरी 25,000 की है, वो इसमें रजिस्टर कर सकता है, और बाकी नॉर्मल के लिए कितना है 21,000, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि आपको सर्विस करते हुए कम से कम 2 साल हुए होने चाहिए, ठीक है, 2 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि आपने जिस दिन इनरोल किया इसमें, ठीक है, ये जो आपकी ABVVKY है, ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी, इसमें जिस दिन आपने इनरोल किया उसके 78 डेज बाद ही आप सर्विस से निकाले जाने चाहिए। मतलब कि समझ लो आपने आज इनरोल किया और कल आपकी नौकरी चली गई तो क्या आपको भत्ता मिलेगा? नहीं, आपको इनरोल किए कम से कम 78 डेज होने चाहिए, उसके बाद अगर आपकी नौकरी छूटती है तो आपको भत्ता मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है। और वेटिंग पीरियड कितना है क्लेम करने का? तो देखो पहले आपकी नौकरी छूटी उसके 90 दिन बाद जाके आपको क्लेम मिलता था, अब इसको घटा के कितना कर दिया है 30 दिन कर दिया है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारी लास्ट स्कीम की तरफ। तो नेक्स्ट स्कीम है आपकी रिगार्डिंग विवाद से विश्वास सेकंड, ठीक है। तो ये किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया आपकी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। अब इसमें क्या है, जो भी आपकी गवर्नमेंट है हमारी, ठीक है, और साथ में गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, जिसमें मतलब कि जिस सेक्टर में गवर्नमेंट का शेयर है, ठीक है, जिस भी कंपनीज में गवर्नमेंट का शेयर है, PSUs हो गए जो है ना, उन सब में गवर्नमेंट का शेयर है, तो उनके जो भी डिस्प्यूट्स होंगे उनको सेटल कर दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। और ये स्कीम जो है ये क्या कहते हैं कौन कौन से अवार्ड्स को, देखो यहाँ पे अवार्ड्स का मतलब क्या होता है, ये आपको दिख रहा होगा कोर्ट अवार्ड, आर्बिट्रल अवार्ड, इसका मतलब क्या है, ये जो अवार्ड होते हैं ये होता है जजमेंट, तो जो भी जजमेंट में आपको डिस्प्यूट है उसको सेटल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो आर्बिट्रल अवार्ड जजमेंट है जो कि 31 जनवरी 2023 तक पास हो रखी है वो सारी सेटल कर दी जाएंगी, और कोर्ट अवार्ड जजमेंट जो है वो कब तक की सेटल की जाएंगी, 30 अप्रैल 2023 तक की सेटल की जाएंगी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो कोर्ट वाली है उनमें क्या होगा सेटलमेंट 85% का सेटलमेंट हो जाएगा, मतलब जो भी अमाउंट होगा आपका उसका 85% का सेटलमेंट कर दिया जाएगा अंडर विवाद से विश्वास। और वही आर्बिट्रल अवार्ड जो है, ठीक है, उसमें कितने का होगा 65% का सेटलमेंट होगा। तो ये परसेंटेज याद रखिएगा कि आर्बिट्रल अवार्ड में कितने का होगा 65% का, और कोर्ट अवार्ड में कितना होगा 85% का। और आर्बिट्रल अवार्ड जो होगा वो कब तक मान्य लिया जाएगा, 31 जनवरी 2023 तक, और कोर्ट अवार्ड कब तक के काउंट किए जाएंगे, 30 अप्रैल 2023 तक के, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो लास्ट न्यूज है हमारी रिगार्डिंग तलिस्मिया बाल सेवा योजना का फेज 3 लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? भारती प्रवीण जी के द्वारा। ये कौन है हमारी? ये यूनियन मिनिस्टर है किसकी? स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। अब यहाँ पे समझने वाली बात है तलिस्मिया होता क्या है। तो ये देखो ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, ब्लड डिसऑर्डर। इनहेरिटेड मतलब कि पेरेंट्स से बच्चों में आ रहा है, ठीक है। और इसमें होता क्या है, जो हीमोग्लोबिन होता है बॉडी में वो आपके नॉर्मल लेवल तक कभी पहुंच नहीं पाता, उससे कम ही रहता है, ठीक है, क्योंकि ये ग्रो ही नहीं कर पाता हीमोग्लोबिन आपके बॉडी में। एक तरीके का ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें आपका हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो नॉर्मल से कम रहता है। तो ये जो बाल सेवा योजना का फेज 3 लॉन्च किया गया है ये किसके साथ मिलकर लॉन्च किया गया है? ये मिलकर लॉन्च किया गया है कोल इंडिया लिमिटेड के साथ। अब ऐसा क्यों किया गया? देखो यहाँ पे एक चीज समझना आप, जो भी हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर है, ठीक है, जो भी हमारी कंपनीज है, चाहे प्राइवेट है पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, उनकी एक मैंडेटरी है गवर्नमेंट की तरफ से कि उनको अपने जो एक्सपेंडिचर है, जो अपना प्रॉफिट है, उसका कुछ हिस्सा उनको मैंडेटरी है CSR में लगाना। CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें उनको इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, ठीक है। कभी आप देख रहे होंगे कि रिलायंस ने इतनी एम्बुलेंस दी, वो क्या कहते हैं मेडिकल हॉस्पिटल में, फिर इतने बेड्स दिए, इतने वेंटिलेटर्स दिए, इस कंपनी ने इतना वो किया, ठीक है। वो कोई समाज सेवा नहीं कर रहे होते, वो उनकी मजबूरी होती है कि उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पैसा लगाना ही पड़ता है। तो इस बार यहाँ पे कौन लगा रहा है? कोल इंडिया लगा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो वर्ल्ड टेलिस्मिया डे कब आता है? ये आता है आपका 8 मई 2023 को। तो यहाँ से स्टैटिक का क्वेश्चन भी बन सकता है। और इस बार की थीम क्या थी? बी अवेयर शेयर एंड केयर, स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन टू ब्रिज द टेलिस्मिया केयर गैप, ठीक है। तो ये थी इस बार की थीम। और साथ ही साथ इन्होंने एक और चीज की है कि सिकल सेल डिजीज का ट्रीटमेंट कैसे करना है, वो भी इन्होंने वर्कफ्लो दिखाया है इस बारी इस ओकेजन पे। और ये किसने लॉन्च किया है? ये लिख किया है ICMR ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये थी आपकी कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स जो इस बारी लॉन्च हुई है, ठीक है। बहुत जल्द आपको स्टेट गवर्नमेंट न्यूज के साथ मिलेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।